प्रसव के दौरान झोला छाप डॉक्टर ने ली फिर जच्चा महिला की जान। पीड़ित ने थाने में दी तहरीर, पुलिस ने नहीं की कोई कार्यवाही। रामपुर में लगातार झोला छाप डॉक्टर जच्चा और बच्चा को प्रसव के दौरान मौत के घाट उतार रहे हैं, मगर उनको रोकने वाला कोई नहीं है। सीएमओ और पुलिस की मिलीभगत से फल फूल रहे हैं। बिना डिग्री बिना पंजीकरण के खोले जा रहे हैं ये फर्जी अस्पताल। भारी डॉक्टर के नाम पर किए जा रहे हैं बड़े ऑपरेशन और रामपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यवाही करने का आश्वासन देकर खामोश बैठ जाते हैं। रामपुर के थाना शहजाद नगर क्षेत्र के ककरौआ गांव में एक महिला झोला छाप डॉक्टरनी ने गांव की ही महिला का प्रसव के दौरान उसकी बच्चेदानी को ही खींचकर निकाल दिया, जिससे महिला को ब्लीडिंग होने लगी और इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना पर पीड़ित पति राजकुमार ने थाने जाकर पुलिस से झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही के लिए तहरीर दी, परंतु पुलिस ने पीड़ित पति की नहीं सुनी और उसे उल्टा धमकाकर भगा दिया। ये हाल है रामपुर पुलिस प्रशासन का, पीड़ितों की भी नहीं सुन रही है पुलिस। पीड़ित ने इंसाफ के लिए मीडिया से लगाई है गुहार। राजकुमार जी पूरी बात बताइए, क्या हुआ? सर हुआ ये था कि मेरी बीवी जो थी प्रेग्नेंट थी, ठीक है। फिर मैंने अपने जो गांव की डॉक्टर नहीं है, हमारे पड़ोस में क्लिनिक है उसका, वो चलाती है यहाँ पे क्लिनिक, तो उसको बुलाया। किस नाम से चलाती है? कृष्णा नाम है उसका, कृष्णा नाम से ही उसका क्लिनिक चलता है। अच्छा, तो उसको मैंने बुलाया तो उसने चेक किया, उसने मुझसे बोला शाम तक आपके नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है मैम, कर दीजिए। तो मैं तो घर से चला गया, लेकिन जब मैं दोपहर में आया तो उसको तकलीफ हो रही थी लेकिन डिलीवरी नहीं हो पाई थी। फिर मैंने उसको बोला अगर आपसे नहीं हो पा रही है तो आप बताइए, मैं कहीं और ले जाऊंगा। तो बोली नहीं, मैं नॉर्मल यहीं पे निपटा दूंगी, आपको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा चलिए ठीक है, अगर आप यहीं निपटा देंगी तो। फिर उसने मुझसे बोला, एक घंटे के बाद मैंने अपनी जो मेरी मौसी है रामपुर में रहती है उनसे मैंने बात कराई कि अब बता दीजिए आप, अगर होता है तो ठीक है वरना मैं रामपुर ले जाता हूँ। तो उनको भी उसने वही बोला कि मैं 2 बजे तक इसकी डिलीवरी 2 घंटे में निपटा दूँगी, 2-2.5 घंटा लगेगा, नॉर्मल निपटा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बोली नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ा टाइम लगता है, आप घबराइए मत, हम बेफिक्र थे इसलिए। तो उसने जब डिलीवरी करी तो हमारे लड़की तो नॉर्मल पैदा हो गई, लेकिन उसने जो लड़की जब पैदा हुई तो पता नहीं क्या उसने क्या खींचादानी उसकी बच्चेदानी ब्लीडिंग होने लगी। फिर हम रामपुर ले गए, रामपुर में किसी ने हाथ नहीं रखा। अच्छा, फिर हम सीधे तीर्थांकर ले गए, वहाँ जाके उसकी डेथ हो गई, मौत हो गई इलाज के दौरान। जी जी, तो आप इसमें FIR दर्ज करा रहे हैं आप? जी अभी मैं FIR कराऊंगा इसका। कहाँ थाने जा रहे हैं? जी जी, क्या चाहते हैं आप इसमें? सर क्या जाना है इसमें, उसके खिलाफ FIR कराऊंगा, कुछ तो हो ताकि आगे को किसी दूसरे को नुकसान। कितने लोगों की मौत की घाट उतार चुकी है सर? समथिंग यहाँ तो 3-4 तो मेरे देख रही है। पूरे मामले की जानकारी नहीं, मुझे भी यही पता लगा कि कोई भी इशू हुई, अपनी टीम भेज के उसकी जानकारी कराऊंगा। झोला छाप के विरुद्ध पिछले दिनों भी काफ़ी छापामारी हुई है और एक खिलाफ FIR हुई है, आगे भी अलग अलग ब्लॉक पर टीम भेज के छापामारी कराई जाएगी, क्योंकि इस तरह की झोला छाप की शिकायतें कई बार मिलती हैं और कार्रवाई भी होती है।